दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लगातार अतिथि शिक्षक वर्तमान में अपने बकाए पिछले मानदेय को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में आपसे निवेदन रहेगा, आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा जरूर लीजिए, क्योंकि अतिथि शिक्षकों को मानदेय वेतन देने का वादा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महीने की 1 से 5 तारीख के अंदर का किया था, लेकिन यहाँ पर 5 महीने के बाद भी अतिथि शिक्षकों के लिए मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है। पिछले मार्च अप्रैल का मानदेय अतिथि शिक्षकों को अब भी नहीं मिला। इस पर अलग अलग जिलों के अतिथि शिक्षक संगठनों ने आगे आकर अतिथि शिक्षकों के हितार्थ को देखते हुए मानदेय भुगतान की मांग की है। आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं अतिथि शिक्षकों के बकाए मानदेय वेतन भुगतान को लेकर, लेकिन आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपके सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल से जरूर जुड़ जाएं। अतिथि शिक्षक संघ जिला दमोह मध्य प्रदेश की तरफ से पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के हित के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसमें आपको दिखाएंगे कंप्लीट अपडेट जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर राय, जिला उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह लोधी और जिला सचिव इमाम खान के द्वारा ये लेटर यहां पर दिया गया है और पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के आह्वान भी किया गया है कि वह भी अपने जिले ब्लॉक में ये दें। तो 21/5/24 का अपडेट है। प्रति में श्रीमान अनुभा विभागी यानी SDM है, अनुविभागीय अधिकारी और विकास खंड और यहाँ पर जिला जैसे इन्होंने दिया दमोह के लिए। हालांकि ये ऑनलाइन वाली PDF फाइल आप देख रहे हैं, इसका ऑफलाइन वाला जो है यहाँ पर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। वह भी मिलेगा आपको, लेकिन विश्वास ही आपको करना होगा। विषय में रुक जाना नहीं के अंतर्गत किए गए शैक्षणिक कार्य का मानदेय, साथ ही विगत सत्र फरवरी और मार्च से जो अतिथि शिक्षकों का बकाया मानदेय है उसको भुगतान करने, और साथ ही जो अतिथि शिक्षकों ने लोकसभा निर्वाचन में 2 दिन लोकसभा निर्वाचन ड्यूटी का मानदेय भुगतान करने के संबंध में यह है। और मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है तो पहला उद्देश्य उसका यही होता है कि उसको उस काम के एवज में जो राशि है वह समय से मिल जाए, पूरी मिल जाए। तो यहाँ पर बताया है कि महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा 4 अप्रैल को जारी आदेश क्रमांक 64 के अनुसार अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल को समाप्त कर दी गई हैं, परंतु प्राचार्य प्रधानाध्यापक के आदेश पर जिले भर के अतिथि शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशिक्षण प्राप्त किया और रुक जाना नहीं के अंतर्गत निरंतर शालाओं में अपनी सेवाएं भी दी है। प्रशिक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा भी कहा गया था कि आप लोग अध्यापन कार्य में सहयोग करें, जिलाधीश महोदय से बात करके आप लोगों के मानदेय की व्यवस्था की जाएगी, परंतु आज दिनांक तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया। साथ ही लोकसभा चुनाव में अतिथि शिक्षकों ने SPO के रूप में पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ अपने कर्तव्य को निभाते हुए मतदान दल को सुरक्षित ले जाने लाने, चुनाव कार्य में सहयोग करना, 2 दिवस सेवाएं प्रदान किया है, जिसका मानदेय आज दिनांक तक नहीं प्राप्त हुआ है। आपको बता दें जितने भी नियमित कर्मचारी हैं, रेगुलर शिक्षक हैं या रेगुलर कर्मचारी जो लोकसभा के चुनाव में ड्यूटी किए हैं, उनका मानदेय उनके खातों पर बहुत दिन पहले ही आ चुका है। चुनाव खत्म होते ही जहां पर भी चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वहीं अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अतिथि शिक्षकों की निम्नलिखित मांगों गंभीरता से विचार करते हुए अति शीघ्र आदेश जारी करने की कृपा करें। पहली मांग यहां पर रुक जाना नहीं के अंतर्गत किए गए शैक्षणिक कार्य का मानदेय का भुगतान, विगत सत्र फरवरी मार्च से बकाया मानदेय का भुगतान अति शीघ्र करने और साथ ही 2 दिवस का लोकसभा चुनाव ड्यूटी का मानदेय भुगतान किया जाए। यहां पर अलग अलग ब्लॉक के यहां पर डाल के ये ज्ञापन विकास खंड अधिकारी और ये तो जिला शिक्षा अधिकारी को देने संबंधी आप जो देखे हैं, आप अपने जिले का नाम इसमें डाल के अपने विकास खंड या जिले में दे सकते हैं अगर आपको मानदेय समय से चाहिए। मेरा काम है मैसेज आपको देना, आप तक खबर पहुंचाना, आपका काम है उस पर अमल करना। मुझे उम्मीद जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।